हेलो दोस्तों, आज जो मेरे पास गाड़ी है ये है एमजी की न्यूली लॉन्च हुई ग्लोस्टर, एमजी ग्लोस्टर। तो भाई ये इसकी जो है टू व्हील ड्राइव है, सेबी मॉडल में टू व्हील ड्राइव। तो आज इसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए। बाहर से तो भाई ये डीप गोल्डन कलर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये कलर न्यू कलर आया हुआ है इसमें। इसमें जो रेड कलर था वो इन्होंने बंद कर दिया। तो गाइज इसमें आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या फंक्शन एडिशनल ऐड हुए हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे मोर पे जाना है भाई। मोर पे आप देख सकते हो कि पार्क प्लस इसमें ऐड हो गया भाई। अब पार्क प्लस में ये है कि भाई आप जैसे सिटी होती है बैंगलोर वगैरह, आप पार्किंग पहले से रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा, ये कंपनी दे रही है आपको 3 महीने तक फ्री, ठीक है। तो इसके बाद गाइज यहाँ पे व्हीकल सेटिंग में आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीजें चेंज हुई है। सबसे पहले लैंप है, तो इसमें वेलकम लाइट है भाई, उसे आप ऑफ भी कर सकते हो। जो यहाँ पे स्क्रीन के नीचे एमजी बना हुआ आता था ग्लोस्टर में, उसे आप ऑफ और टाइम भी रख सकते हो उसका क्या है। फॉलो मी लाइट तो पहले होता है, फाइंड माई कार भी जो है इसमें नया चीज स्टार्ट हो गई है, फ्लैशिंग होंकिंग। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे लॉक, तो जो इसमें लॉक है ये देखिए, और जो लाइट है वो सारी की सारी आप उसे अनलॉक कर सकते हो। ड्राइविंग ऑटोमेटिक लॉक, ऑटो अनलॉक व्हेन इग्निशन ऑफ, ये आप जैसे चीजें आपके आपके पास की है, अगर आपने इग्निशन ऑफ किया तो गाड़ी के बाहर जाते हो तो वो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, वो वाली सेटिंग है ये, ठीक है। तो यहाँ आपको अगर रियर व्यू, ये भाई पहले भी आता था कि रियर सीट जो है आप या मिरर है वो आप सेट कर सकते हो। तो सनरूफ का आ गया यहाँ पे, अगर आप बटन से बंद करना चाहते हो। ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है भाई, ये भी पहले आता था इसमें। हाँ, रियर क्रॉस भाई ये चीज नहीं ऐड हो गई है। और डोर ओपन वार्निंग गाइज ये है कि अगर आपने जैसे डोर ओपन किया तो यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट जो लाइट है वो यहाँ पे वो ब्लिंक होती थी, और अगर मैं फिर भी नहीं डोर ओपन कर रहा हूँ, गाड़ी मेरी भाई उस पर 5 की स्पीड से नीचे होनी चाहिए, तो ये गाड़ी अपने आप आपको फिर यहाँ पे आपको एक बीप भी देगी और वार्निंग भी देगी आपकी MID पे। तो ये भी फीचर काफ़ी अच्छा है, ये चारों डोर पे भाई ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आपको रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ये भी जैसे गाड़ी में भाई जैसे सेम एज एस्टर मैं इसे बैक कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो वो वाला फीचर इसमें ऐड होता है। तो बाकी फॉरवर्ड क्लोजिंग ये पहले भी आता था गाइज। फटीक रिमाइंडर है भाई इसमें आ गया। अगर मैं अभी देखिए ये फटीक रिमाइंडर को मैंने ऑन कर रखा, जैसे ये गाड़ी मेरे को सेंस करेगी कि मेरी ग्रिप कैसी है, जज करती है मेरे पैडल पे जो मैंने ब्रेक हाथ सॉरी पैडल पे जो मैंने इग्निशन दे रहा हूँ या ब्रेक में अप्लाई कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ। तो ये मेरे को अगर मैं थक गया हूँ, अगर मैं मुझे नींद लग रही है तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर देगा कि आपको कॉफ़ी या कप कहीं पे रुकना चाहिए। यहाँ आपको आ जाएगा लेन डिपोचर वार्निंग गाई, ये देखिए या वर्किंग में है। तो यहाँ आपका पार्किंग असिस्ट, फ्रंट पार्किंग डिस्टेंस, तो जैसे होता है इसमें अडोप्टेड क्रूज कंट्रोल सेम एज वैसे ही है। अगर आप गाड़ी इसमें आप वो कर सकते हो कि फ्रंट के पार्किंग सेंसर बंद भी हो जाएंगे आपके, और आप डिस्टेंस भी जो है मेंटेन रख सकते हो। तो ये इसका जो फीचर ने 2-4 ऐड हुए हैं गाइस, जो फीचर हैं बाकी सेम है। ये देखिए ये टू व्हील ड्राइव है, मॉडल सेवी है। इसमें जो है यहाँ पे जो मॉडल हैं ये दे रखे हैं भाई, ये इको मोड है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा इको स्पोर्ट, और ये देखिए। तो होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। एक और फीचर ऐड हो गया भाई, जो इसमें जैसे हेक्टर में इंग्लिश कमांड आती तो अब वो इसमें भी अप्लाई होती है। अभी मैं आपको वर्किंग करके दिखाऊंगा। पहले इसमें जो थी ओनली इंग्लिश कमांड ही चलती है, बट अभी ये जो इंग्लिश कमांड है जैसे हेलो एमजी, आई एम लिसनिंग, मुझे ठंड लग रही है, ओके टेम्परेचर इज रेज्ड टू 18 डिग्रीज। तो ये मेरे को काफी अच्छा इन्होंने ऐड ऑन कर दिया, अच्छा फीचर है क्योंकि बच्चों के लिए काफी अच्छा है। आप सनरूफ खोल सकते हो, चाहे रेस्टोरेंट ढूंढना हो, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो होप सो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल ग्रो कर दो, आपके लिए बनाता हूँ यार वीडियो। ओके।